हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक मेरा पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग, उसको मैं वार्निश करने जा रहा हूँ और हम देखेंगे कि उसकी वार्निशिंग प्रोसेस कैसी होती है, वार्निशिंग करने के बाद कैसी पेंटिंग दिखती है और वार्निशिंग प्रोसेस के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वार्निशिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम पेंटिंग पर चिपकी डस्ट को साफ करेंगे। अच्छी तरह से साफ हो जाए उसके बाद हम वार्निश प्रोसेस चालू कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें थोड़ा वार्निश डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जिस जगह पर हम वार्निश कर रहे हैं वो एरिया वेल वेंटिलेटेड हो ताकि हमारी सेहत को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वार्निश से जो फ्यूम्स निकलती है वो हमारे लंग्स के लिए बहुत हानिकारक होती है। सबसे पहले हम वर्टिकली वार्निश करेंगे और पूरा एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार वर्टिकल वार्निश हो जाए उसके बाद हम हॉरिजॉन्टली भी वार्निश करेंगे ताकि बचा कुचा एरिया भी उसमें कवर हो जाए। दोस्तों, वार्निशिंग के दौरान पेंट ब्लीड करने लगे तो तुरंत ही वार्निशिंग रोक देनी चाहिए, क्योंकि इससे पेंटिंग बिगड़ सकती है। जब वार्निश प्रोसेस पूरी हो जाए उसके बाद हम पेंटिंग को लाइट सोर्स के सामने रख के देखेंगे ताकि हमें पता चले कि सरफेस एरिया पूरा कवर हुआ है कि नहीं। अगर कोई जगह वार्निश से बच गई हो तो हम वहाँ पर भी वार्निश अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वार्निशिंग प्रोसेस पूरी हो चुकी है और लाइट सोर्स के सामने रखने से पेंटिंग कितनी शाइन कर रही है और कलर कैसे उभर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी पेंटिंग को ऐसे ही वार्निश कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।